तो फाइनली एक वीक के बाद अपना पैकेज आ चुका है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। जिन दो प्रोडक्ट्स का मुझे आने का इंतजार था उसमें से एक आ चुका है और दूसरा आने वाला है। 2 hours later this is our new sofa that will be sofa cum bed that will be assembled in a while now। ये गद्दी रखा है तो ये कलर हमने चूज किया था, दिस इज लाइक डार्क ब्लू, तो अभी आधा ही आया है, ये पूरा नहीं आया अभी, बाकी के पीसेस अभी आएंगे। एंड दिस इज हाउ द मेटल सोफा लुक्स। तो फाइनली ये है भाई अपना सोफा कम बेड, पूरा ऐसे असेंबल होके ऐसा लगता है और ये ऐसे खुलता है, तो इसमें भी कुछ है नहीं, तो फिर ऐसे बंद कर दीजिए, पूरा यहाँ तक खुलता है और उसके बाद इसको ऐसा डबल बेड की तरह यूज कर सकते हैं। तो फाइनली एक वीक के बाद अपना पैकेज आ चुका है, गैस करो क्या है। एक हफ्ते पहले मैंने प्राइम ABGB करके लेमिंगटन रोड पे बहुत बड़ी शॉप है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं ग्राफिक कार्ड्स और कंप्यूटर कंपोनेंट्स के, वहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया था कि भाई आए तो मुझे बता देना। जैसे प्रोडक्ट आया तो मैंने उनको ऑनलाइन मैसेज भेजा कि भाई तुम्हारा ऑनलाइन दिख रहा है प्रोडक्ट और मैं ऑर्डर करूँ क्या, तो उन्होंने बोला हाँ हमें पैसे भेज दीजिए, हम आपका जो ग्राफिक कार्ड है आपको शिप कर देते हैं। तो फाइनली मुझे ग्राफिक कार्ड मिल गया है, अभी खोल के देखते हैं कि सही भेजा है कि नहीं भेजा है, नहीं तो ये भी अमेजोन की तरह वापस भेजना पड़ेगा, वो तो चला गया। तो ये कुछ ऐसे पैकेज में आया है, अभी देखते हैं कि बराबर भेजा है कि नहीं। इसको अच्छे से ओपन करते हैं, पैकिंग बहुत अच्छी की है, पूरा बबल रैप किया है। क्या बात है, इस बार प्रोडक्ट सही आया है, अमेजोन ने तो गलत भेज दिया था। ये इसका GST पेड बिल है, ये ग्राफिक कार्ड है, कैमरे में उल्टा आ रहा है, लेकिन ये MSI का वेंटस एक्सेस उसी एडिशन GeForce GTX NVIDIA 1660 Ti, तो यही मुझे चाहिए था। मुझे और जहां तक मैंने सुना है MSI के ग्राफिक कार्ड्स में बॉक्स पैकिंग नहीं आती है, मतलब यहाँ पे कोई टेप वेप नहीं होता है, दोनों साइड पे पैकिंग अंदर होती है, मतलब जो टेप होता है वो अंदर होता है, और दिखने में कार्ड इतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा मेरे हिसाब से अगली लुकिंग है, लेकिन अभी ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज इतनी ज्यादा चल रही है कि आपको जो भी पीस मिले फिलहाल ले लो, बाद में अपग्रेड कर लेना। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, इसको डब्बे को रखते हैं साइड में। क्विक यूजर गाइड वगैरह सेटअप करना है प्रोडक्ट, थैंक यू फॉर परचेजिंग MSI प्रोडक्ट, तो भी साइड में रखते हैं। और ये रहा अपना ग्राफिक कार्ड, और ये आती है यहाँ पे इस पे टेप, जिससे पता चलता है कि ओरिजिनल फैक्ट्री सील्ड है। चलिए ग्राफिक कार्ड देखते हैं, इसको भी रखते हैं साइड में, और अच्छा खासा हैवी है। नहीं यार मैं गलत था, कार्ड एक्चुअली में खूबसूरत है। तो ये कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, ये MSI के लोगो लगे हुए हैं फैंस के ऊपर, शायद ये 90mm के फैंस हैं आई गेस। नीचे ये इसकी जो गोल्ड फिंगर्स है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगा हुआ है, मैं अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ, शायद इसमें कोई RGB वगैरह नहीं है, और एक 8-pin कनेक्टर है यहाँ पे पावर के लिए बस। और यहाँ पे चार पोर्ट्स दे रखी है जो की एक HDMI है और 3 डिस्प्ले पोर्ट है, वेरी नाइस। और ये वेंटिलेशन का दे रखा है, बाकी वेंटिलेशन इधर इधर से होती है। तो पीछे एक सॉलिड बैक प्लेट दे रखी है प्रोटेक्शन के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए, जैसे इसकी बोर्ड स्ट्रेट रहे, स्टेबल रहे, वेरी नाइस। तो ये MSI का मेरा पहला प्रोडक्ट है, इससे पहले मैंने कभी MSI का कोई भी चीज नहीं ली है, तो देखते हैं कैसा चलता है। चलना अच्छा चाहिए क्योंकि ये 1660 Ti है, नॉर्मल 1660 सुपर वगैरह नहीं है। मेमोरी शायद इसमें 6GB मेमोरी है, ट्यूरिंग शेडर्स रेट्रेस 12 एंसल एक नंबर 6GB के साथ है। पुराना कार्ड मेरा 4GB के साथ था, तो कभी कभी वो सेटिंग्स हाई करने में आउट ऑफ मेमोरी चला जाता था। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा है कि मैंने ये ग्रिल्स कैसे इंस्टॉल किए हैं, तो आप थोड़ा पीछे वीडियो देख सकते हो, मैंने कस्टम कटवा के यहाँ पे ये ग्रिल्स लगवाई हैं जो अमेजोन से मैंने मंगाई थी। दो ऊपर लगी हैं
और एक पीछे लगी है अच्छी वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि जो इसकी एक्चुअल ऐसे हनीकॉम ग्रिल्स आती हैं ये, इसमें से एयर वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती है, खासतौर पर जब एयर बाहर पुश करते हैं तो मैंने ये करवाया है और इससे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी हुई है, टेम्परेचर्स बहुत डाउन हो गए हैं इसकी वजह से। चलिए ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं, मैंने पहले ही खोल लिया था। और यहाँ पे इसका ग्राफिक कार्ड का स्लॉट होता है, तो सबसे पहले थोड़ा मैं इधर करता हूँ, तो सबसे पहले इसका लॉक खोलते हैं और उसके बाद अलाइन करके ये निकल के एक नंबर ऐसे लॉक की आवाज़ आई और ये हो गया। और अब प्रॉब्लम ये है कि इसके यहाँ पे मैंने लगाने वाले स्क्रूज खो दिए हैं, तो मुझे इधर इधर से दो स्क्रूज लेने पड़ेंगे और इसमें लगा देंगे। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और हमेशा की तरह सारे प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिसका भी मुझे मिलेगा, सबका तो नहीं मिलता है, सब चीज़ अमेजोन पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जिसका भी मिलेगा मैं उसका डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको कुछ लेना है तो वहाँ से ले लो, या तो सिमिलर प्रोडक्ट्स का मैं डाल दूंगा तो वो भी देख सकते हो। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, नोटिफिकेशन आइकन जरूर हिट करना क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।